नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि जैसे हमें एक सॉकेट में तो हमें एसी चलाना है और दूसरी में हमें जैसे इसमें रोड भी चलानी है और दूसरे में हमें नॉर्मल टीवी का कनेक्शन देना है, पंखे का कनेक्शन देना है कि जो कम वोल्टेज उठाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसी सॉकेट हमें मार्केट से परचेज़ करनी है बड़ी वाली। इसमें क्या होता है कि अब अगर इसमें एसी भी लगा दोगे तो ये नहीं जलता, साथ में आप देखते हो एसी आप इसमें लगा दो या रोड लगा दो ये जलने स्टार्ट हो जाता है, महक मारने स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हम ये बड़ी सॉकेट लगाते हैं। तो बड़ा सॉकेट के साथ बड़ा स्विच आता है और स्मॉल सॉकेट के साथ स्मॉल स्विच आता है। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि इससे हम पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, उसे चल जाता है, मगर आप इसमें एसी लगाते हो या कोई हैवी वोल्टेज वाली चीज़ लगाते हो तो ये जला देता है एक मिनट के अंदर ये वाला, और इसमें चल जाता है। तो हम कैसे बनाते हैं और कैसे इसकी वायरिंग करते हैं, सबसे पहले आपने ये मार्केट से परचेज़ करके लाना है, ये भी लाना है जैसा आप बनाना चाहो जिस हिसाब से, और फिर आपने क्या करना है इनको लगाना है। नेट होते हैं, इनके नेट लगाते हैं, कोई जी नहीं होता। सॉकेट लगा लो, स्विच लगा लो, सॉकेट लगा लो, स्विच लगा लो, जैसे आप रखना चाहते हो। मगर ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर इसके वर्डिंग लिखे है ऊपर वर्ड लिखा है तो सीधा ही हिसाब रखना है कि जहाँ तरफ एक तरफ सीधा होना चाहिए, ये ना आपने ये सीधा लगा दिया, उल्टा लगा दिया, सीधा लगा दिया, तो इसमें गड़बड़ हो जाती है। आपने हमेशा ये नोट करना है कि ये जो चीज़ है ये ऊपर लिखा होता है कुछ ना कुछ, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये उल्टा है सीधा है। तो हम कैसे इसकी वायरिंग करेंगे सभी ने ध्यान से देखना है। तो दोस्तों अब हम इसको पलट देते हैं। पलटने के बाद आपने देखा कि इधर हमारा स्मॉल सॉकेट आ गई और इधर हमारी बड़ी सॉकेट आ गई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें न्यूट्रल लगाते हैं। न्यूट्रल की तार लगा ली हमने, ये न्यूट्रल है, कोई भी तार लगा सकते हैं, ये नहीं कि येलो है ये न्यूट्रल होगी, ऐसा कुछ नहीं होता, तार कोई भी आप लगा सकते हो। तो इसको हमने यहाँ लगा लिया। अब हमने एक तार जो है इसमें देनी है बड़ी सॉकेट में, तो यहाँ से न्यूट्रल हम यहाँ से दे देंगे इस सॉकेट में, तो वो भी हमने साथ ही लगानी है इसके। उसके बाद हम इसको यहाँ लगा देंगे। बोर्ड सारे दोस्तों एक जैसे ही होते हैं और एक जैसे बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है किसी में अलग हो, थोड़ी सी चेंजेस होती है, आप ध्यान से देख सकते हैं। मैंने आपको तीन चार टाइप के बोर्ड दिखाए हैं, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे कैसे हमने वायरिंग की है और कैसे कैसे हमने इसको लगाया है। इसके बाद इस सॉकेट से हमने इस पावर को देना है, ये होता है इससे ऑन ऑफ होती है सॉकेट, ये तो मैंने इसको यहां दे दिया।
दोस्तों ये बहुत इजी है, आप ध्यान से देखें तो आराम से बन जाता है। ये तो हो गया। इसके बाद इसके बाद हमने यहाँ लगा देना है। ये दोस्तों मेन फेस है, ध्यान रखना अपने, ये मेन फेस चल रहा है जो हम वायरिंग करें, मेन फेस की करें। इससे मेन पावर यहाँ आ जाएगी और ये न्यूट्रल है। और ये हम अब इसमें बोर्ड की तार लगा देते हैं, ये मेन है जो हमारे बोर्ड को जाएगी। ये हम दोनों एक साथ भी बैठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे घुमाएंगे, और फिर ऐसे, फिर हम नेट को लगा देंगे। ये तो होगी हमारी पावर, इसमें पास हो गई है। अब देखो आपकी एक तार हमारी रहेगी, ये वाली रहेगी, तो ये वाली यहाँ लगेगी। ये हमारी मेन है, ये मेन है, और ये हमारी ये न्यूट्रल है। अगर ऐसे नहीं बैठते तो आप इसको घुमाकर थोड़ा आगे कर सकते हैं, हमने ऐसे भी बैठा सकते हैं। इसके बाद हमने इस तार को यहाँ लगाना है।
तो दोस्तों ये जो हमारी वायरिंग है कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हैं, एक बार फिर से चेक कर लें। तो ये हमारी वायरिंग बिल्कुल ठीक होगी, आप ध्यान से देख सकते हैं कैसे हमने वायरिंग की है। इसके बाद हम कैसे चेक करेंगे इसको, अब चेक करते हैं। पहले आपने ध्यान रखना है कि जो भी तारें आपने लगाई कि टच तो नहीं हो रही, उनको चेक करो, क्योंकि आपने तार लगाई है टच होगी तो ये शॉर्ट हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसी चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जले ना। इन तारों को हमेशा सेंटर से निकालना है, यानी कि एक दूसरे के साथ आपकी टच करिए तो ये जल सकता है। तो ये इसका है ऑन ऑफ का, ये इसका है। तो अब एक बार हम फिर से देख लेते हैं, ये आपका मेन फेस है, मेन फेस से आपकी वायरिंग यहाँ से यहाँ आ गई है और इससे पावर इसमें आ गया है, इससे इसमें चला गया है। इसको ऑन ऑफ करने के लिए होता है। तो अब हम इसको पावर लगाते हैं। और जिन लोगों को पता नहीं लगता है कि कैसे किया है, ये है वो है, तो वो मुझे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही वो जो मैं इसके वीडियो के स्टार्टिंग में जो फ़ोटोज़ लगाऊंगा उससे आप वायरिंग देख सकते हैं कि कैसे मैंने लगाई है, नहीं समझ आता तो। और पहले हम चेक कर लेते हैं। अब हमने होल्डर लगा दिया है। तो दोस्तों ऑन करते हैं, ये टच नहीं हो रहा इसलिए ऑन नहीं हुआ है। सभी ने ध्यान से देखना है। ये आपने देखा ये ऑन हुआ है, ये टच नहीं हो रहा इसलिए आ रहा है। तो इससे तो जल गया है, तार छोटी पड़ रही है इसलिए। ये आपने देखा अब ऑन हो गया, फिर तार हिल गई है। तो फिर हम दूसरा चेक करते हैं, बड़ी वाली सॉकेट में लगाते हैं। ये आपने देखा हमारी जो दोनों जो हमने वायरिंग की है बिल्कुल ठीक है, बल्ब हमारा चल रहा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों साथ में ही कमेंट करें और शेयर करें, जिससे मुझे पता चले किन भाइयों को इसके बारे में पता चला है कि कैसे हम बोर्ड बनाते हैं और कैसे इसकी वायरिंग करते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता चलता वो इसकी स्टार्टिंग में फ़ोटो देख सकते हैं और वायरिंग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।